हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आर परिपथ अलग से जब केवल प्रेरकत्व प्रतिरोध लगा हो, सी लगा हो, एक बार एल लगा हो और फिर दो दो करके लगे हो, ये देखा था। आज आप एलसीआर परिपथ पढ़ेंगे जब श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व की कुंडली लगी हो। तो देखिए, साथ में बनाते चलते हैं। एल प्रेरकत्व की कुंडली लगी हो और सी धारिता का संधारित्र लगा हो और आर प्रतिरोध का एक तार लगा हो और ये किससे लगे हो? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। तो इसे हम किस तरीके से इसके फार्मूले देखेंगे? तो देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है तो उसका सूत्र तो पता है तुम्हें, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये यल लगा हुआ है, ये सी है, ये आर है, तो इसके सिरों का जो वोल्टेज होता है VL, इसके सिरों का VC और इसके सिरों का VR। अब सीधे इसका फेस डायग्राम देखते हैं, कला ग्राफ। तो कला ग्राफ में एक चीज आपको पता है, हमने कहा था बहुत आसानी से याद रखो कि धारा I ये जहां पर है उसी लाइन पर दोनों के बीच एक ही लाइन पर होते हैं, तो VR इसी पर होगा। और L क्या होता है VR से? ये 90 डिग्री अग्रगामी। और C क्या होता है VR से? 90 डिग्री पश्चगामी। इस तरीके से बनता है। अब इसमें तीन शर्तें हो जाती हैं, एक बार VL बड़ा हो सकता है VC से, एक बार छोटा हो सकता है और एक बार बराबर भी हो सकता है। तो सबसे जब पहली शर्त हम देखेंगे कि VL ग्रेटर देन VC, तो इसमें VL माइनस VC ऊपर हो जाएगा, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा ये I धारा है, इसी में VR है और ये ऊपर ही हो गया VL माइनस VC। और इन दोनों वोल्टेज का जो परिणामी है ये हमने मान लिया V, और कितने एंगल पर? Phi। तो इसमें जो V टोटल वोल्टेज आएगा स्क्वायर बराबर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। और जब V बराबर IZ लिखेंगे और इधर VL बराबर IXL और VC बराबर IXC और प्लस इसको IR लिखेंगे, तो जो सूत्र निकल कर आएगा वो आएगा Z स्क्वायर बराबर XL माइनस XC का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। जेड क्या होता है? परिपथ की प्रतिबाधा। अब हम इसको रफ कर दें, चित्र को यहीं पर बताते हैं इसी जगह पर, क्योंकि वही बात आपको पता है बोर्ड छोटा है तो उतने में ही बताना है। तो जेड बराबर परिपथ की प्रतिबाधा आ जाएगी अंडर रूट एक्सएल, क्या है? प्रेरणी प्रतिघात, और एक्स सी धारिती प्रतिघात, ये आ गया। और इस स्थिति में अगर हम कोण निकाले कितना है वोल्टेज और धारा के बीच, तो tan phi बराबर कितना जाएगा? VL माइनस VC बटे VR, या इसी को लिख सकते हैं XL माइनस XC बटे R। ये आ गया, अगर phi निकाले तो tan inverse VL माइनस VC बटे VR और tan inverse XL माइनस XC बटे R। ये हो गई पहली शर्त जब VL बड़ा हो VC से। अच्छा, अब इसी में अगर दूसरी शर्त देखें, अगर VL छोटा हो VC से, सेकंड शर्त जो है VL जो है वो छोटा है VC से, तो इसमें धारा I तो यही आ गई, VR यही आ गया और VC की VC माइनस VL ये हो जाएगा, जो बड़ा है उधर ही तो आ जाएगा, VC बड़ा है तो नीचे आ गया VC माइनस VL। और धारा से जो परिणामी वोल्टेज है वो धारा से कितना है? 5 डिग्री पश्चगामी। तो इसके लिए भी जो सूत्र बनकर आएंगे वो आएंगे V स्क्वायर बराबर, एक तो आ जाएगा वही VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अगर प्रतिबाधा के टर्म में लिखे तो फिर V बराबर IZ तोड़ेंगे तो आई आई पूरे से जब कैंसिल होगा, आई जेड स्क्वायर, VC क्या है? आई एक्स सी माइनस आई एक्सएल का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। आई आई पूरे से कटेगा
तो जेड स्क्वायर बराबर एक्स सी माइनस एक्स एम का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। अगर धारा और वोल्टेज के बीच कोण देखा जाए तो टेन फाई बराबर एक हो जाएगा वी सी माइनस वी एल बटे वी आर, और एक हो जाएगा अगर सी के टर्म में देखें तो एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर। ये हो गई आपकी दूसरी शर्त। अच्छा, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए वी एल और वी सी, तो वी एल और वी सी जैसे आपस में आपके बराबर होंगे तो फिर यही वैद्युत अनुनाद की शर्त आ जाएगी। VL और VC जब बराबर है तो देखिए क्या हुआ, आपने ये I देखा था, इसी पर VR था और ऊपर VL था और ये नीचे की तरफ VC था। जब हमने देखा थर्ड कंडीशन में VL और VC, ये थर्ड कंडीशन है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, एक उधर एक इधर, निपट गए आपस में। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा इसमें वी आर और जेड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल आर। याद रखना, सवाल में अगर कह दे ये कौन सी शर्त होती है, ये शर्त हमेशा वैद्युत अनुनाद की शर्त होती है। इस समय वी एल बराबर वी सी है तो आवृत्ति आपने निकाली थी अनुनादी एलसी सर्किट में, याद होगा 1/2 pi√LC, इसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, अब एक बात और देख लीजिए इसमें, अगर कोण पूछा जाए तो देखिए कोण क्या होगा, धारा और ये था वी आर और यही सब कुछ है, एल और सी तो चबा गए आपस में एक दूसरे को, तो इसमें धारा और वोल्टेज के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री, दोनों एक ही पर हैं, अध्यारोपित से हैं, तो क्या है कोण इसमें इन दोनों के बीच कलांतर पूछा जाए तो 0 होगा। ये आपने सारे परिपथ एक एक करके देख लिए, बाकी को देखने के लिए आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मर शक्ति और चीजें बताते हैं, आप इसके नुमेरिकल लगाते रहिएगा। थैंक्स।